यस्ता नेतालाई हाम्रा त पार्टीगती कार्यकर्ताले सलाम गरेको छ अनि त्यो नेताको चाहिँ तपाईँको आँची पनि प्रसादी भएको छ कसैले अम्लो ठडा गर्दैन एउटै मात्रै म तपाईँलाई भन्छु केपी शर्मा ओली एकाउन्न सालमा महाकाली बेच्दा नेपाली जनतालाई उहाँले के भन्नुभयो महाकाली सन्धि पास गरेपछि एक खरब एक्काइस अरब पैसा आउँछ अब पश्चिमबाट सूर्य हुँदै हुन्छ नेपालका दुःखका दिन गए हामीले कसैले सोध्ययौँ एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीलाई कहाँको तपाईँले महाकाली बेच्दाको एक अरब एक्काइस खरब पैसा किन सूर्य पश्चिमबाट उदय भएन हामी के भाट होइनौँ नेपाली जनता कसैले ठाडा अङ्गलोप लाउन सक्छ कसैले प्रश्न गर्छ सामान्य एउटा कर्मचारीले दुई हजार रुपियाँ तलमाथि गरौँ भने त्यो जेल जान्छ तर केपी शर्मा ओलीले गिरिबन्धु टी चाहिँ तपाईँको झापाको जग्गा सिधा मैले चाहिँ के हो भने फिर्ता गरिदिनु भयो प्रधानमन्त्रीले भने म फाइल खोल्छु किन खोलेर फाइल यस पछाडिको कारण के हो जम्मै सम्झौता भयो एमाले क्यान्टोन्मेन्टको प्रश्न नउठाउने माओवादीले झापाको चिया बगानको प्रश्न नउठाउने वाइट बडीको प्रश्न नउठाउने भनेपछि यो देशमा भ्रष्टाचारको काण्ड बाहेक के हुन्छ त भन्नुहोस् त संविधान है अपराधीले अपराध गर्न बनाएको संविधान सत्तामा जम्मै अपराधी छ रेकर्डेड अपराधी है फेरि होइन भनौँ न मलाई सत्र हजार मान्छे मारेको होइन मैले चाहिँ के हो भने कोसी बेचेको होइन भण्डक बेचेको होइन टनपुर बेचेको होइन काङ्ग्रेसै भनोस् राजालाई बम हानेको होइन किन राजा महेन्द्रलाई र पृथ्वीनारायण शाहलाई बढी आक्रमण हुन्छ पृथ्वीनारायण शाहले यो देश बनाइदिए यो देश नबनाइदिएको भए यो आँगाजी कुन देशमा घर थुक्थो होला प्रचण्ड कुन देशमा सत्र हजारका मान्छे मार्थे होलान् कुन देशमा क्यान्टेन्मेन्टको पैसा खान्थे होलान् कमसेकम यो खानाका लागि फुलबारी त बनाइदिएर नि तर तपाईँहरूले पनि त एउटा सन्तोष मान्ने ठाउँ त था होला नि हिजो कृष्णनारायण शाहका शालिग ढाल्ने राजा महेन्द्रलाई दुध कार्ने राजा ज्ञानेन्द्रलाई दुध कार्ने दौरा सुरुवाल दुध कार्ने प्रचण्ड आज चाहिँ कृष्णारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्न जानु राष्ट्रिय एकता दिवस भन्नु पृथ्वी जयन्ती भनेर विदा दिनु त्यति होइन तपाईँले खोजे के हो त्यो होइन हामीहरूले खोजेको नेपालीले यी रोजगार पाउनुपर्छ अनि जादुको के हो र हिजो हिजो के भने त बालवाटारमा प्रगाउँदा झुट कुरा गर्ने तपाईँलाई अमेरिकाको चाहिँ वाटर, वाट, वाट, वाटर 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 गेट भन्ने छ सुनियाटर गाड्न त्यो राष्ट्रपतिलाई के अभियोग लगायो तिमीले झुट कुरो बोल्यौ नेपालमा झुट कुरो नबोल्ने त नेतै छैन अनि अमेरिका हुन्छ त नेपाल हामी त कहिलेकाहीँ पुष्पकमल कमल दाल के भन्छन् भने यो देशका जनता खराब भए जनता खराब भएको कारणले हामी नेता खराब भयौँ अनि को त यस्ता प्रश्न उठाउँदा पनि त्यसको सवाल चाहिँ किन हुँदैन हामी त बोलिराखेका छौँ तपाईँ त्यति कुरा गर्नुहुन्छ भूतपूर्व प्रधानमन्त्री एउटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बुढी गण्डकीमा तिन तिन अर्ब तिनजनाले खान्छन् भन्दा खै त उन खोइ त भयो त त्यहीले त भन्दैछ लोकतन्त्र होइन यो भने त अब त्यसले के के प्रणाली ल्यायो त म त त्यसैले भन्छु यो सब देशको सबभन्दा ठुलो समस्या यो भन्दा जमिन यो भ्रष्टाचारका लागि यो देश सिद्ध्याउनका लागि नेपालीलाई विदेश पठाउनका लागि यी एक दिन कुनै पनि दिन यो देश सिक्किम हुनसक्छ सिक्किम बनाउनका लागि आएको व्यवस्था होइन तर सिक्किम हुनलाई त नेताहरूले जोगाइहाल्छन् नि जनताले जोगाइहाल्छन् नि केपी ओलीको भाषा सापट लिँदा चोग्याल सिक्किमका राजा थिए जति बेला लेन्डुक दोर्जेले सिक्किम बेचे भारतमा विलय बनाए त्यो बेला त राजा थिएन त त्यहाँ राजा त हट्या थिएन खै हो राजाहरूले पाँच सय टुक्रा भएर भारत बन्दै थिएन अब सुन्नुहोस् अब यी आफ्नै आठ कक्षावाला हो नि यिनलाई कति बुद्धि छ आफ्नो कुरा छ तपाईँलाई मैले एकजना मान्छे भेटेको छु सिक्किमको प्रधान यहाँ उनी नेपालमा बस्छन् पहिलेदेखि नै उनको म मुद्दामामिलाई गरिदिन्थेँ एक दिन आएर के भने हाम्रा बाउले सिक्किममा गलत काम गरेछन् भनौँ भने बाउ भने बाउ भने त्यतिखेर सचिव रहेछन् कान सचिव उनी के भन्छन् भने भारतको पक्षमा लागेर रा, राजाको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने मिटिङ हाम्रा घरमा हुन्थ्यो उनका बाउ त्यतिखेर कानुन सचिव छन् अहिले मैले ल्याउँदाखेरि ए हाम्रा बाउले र मैले त गलत पो गरेछौँ त देशलाई अर्काको देशसँग मिलाउने आन्दोलनको मिटिङ हामीले हाम्रो घरमा गर्न दियौँ अहिले त त सिक्किममा यो समस्या छ सिक्किमका जनताले यो प्रश्न गर्दैछन् र उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने नेपालको भने मैले यो छयालिस चार साल पछाडि देखिरहेको छु नेपालका ठुल्ठुला नेता सिक्किम भ्रमणमा जान्थे सिक्किम भ्रमणबाट नेपालमा आएपछि आए के भन्थे बन भने सिक्किममा त गजब रहेछ हरेक घर टिनका च्यादरका घर रहेछन् हरेक घरमा गाडी पुग्दो रहेछ अनि त्यहाँबाट ठ्याक्क चुनाउका गा अगाडि एकजना मुख्यमन्त्री आए नि एकजना के पवन चामल पवन चामलिङ ठ्याक्क चुनाउको अगाडि छ उनले सन्देश के दिए भने यो देश सिक्किम विलय जस्तो विलय भयो भने विकास हुन्छ उनको त सन्देश त्यही हो अब भनेपछि त अब भन्नुहोस् त राजाले त कोसिस गरे जनता लेन्डु दोर्जे त्यहाँका सचिव त्यहाँका जम्मै मान्छे भारतका एजेन्ट भाइ देशमा छ जनताले बचाउनुपर्छ देश जब विदेशीको एजेन्ट भएर गए अनि विलय गर्छु भन्नेको त थिएन नि एजेन्डा एजेन्डा के थियो जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउँछु तर मैले यसो हेरेको के जसरी प्रचण्डले भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भनेर भारत विरुद्ध चालिस सूत्रीय माघमा नौवटा सूत्रीय त भारत विरुद्धका कुरा थिए ती चालिस सूत्रीय माग राखेर रा जनयुद्ध गरे सिक्किम बन्छ देश भने उनले पनि ठुल्ठुला नारा लगाएका थिए बाबुरामको लेखै आएको थियो लेन्डु पनि यसै गरेर सत्तामा पुगेछन् कि विरुद्ध मेकानिजम बनाए भारतीय विस्तारवाद मुर्दावाद भने सत्तामा पुगे भारतले बुझाए प्रचण्डको पनि यही यही भन्दैछु सिक्किम को जे मोडल निर्मतोर्जे जे काम गरेको थिए भारत विरोधी भावना मोवादी को नाम सुरून युद्ध नारा के अमेरिकन साम्राज्यवाद र रवाद को विरोध करूँ mm. उनका लड़ाका साझा सवाल में बीबीसी अंतर्वाता दिमाओवादी को सेना में तू हम देश भारतीय विस्तार अमेरिका में विस्तारवाद्राज्यवाद को भात खाएर जित्नु भएको मेयर अब के रहेछ त यहाँ कथनी र कर त फरक रहेछ नि अहिले प्रचण्डको टर्निङ जाने टर्निङ यो भित्र अझै षड्यन्त्र गर्दैछन् प्रचण्डले यो व्यवस्थामा सुध्रिने ठाउँ छैन सुध्रिनु भनेको लुट्नका लागि सुध्रिनु उनी रङ बदले नि अहिले रुखको अर्कै रङ छ अब लुट्नका लागि पृथ्वीनारायण शाहको जय भन्नु पऱ्यो भोलि आवश्यक पऱ्यो भने राजालाई मान्नु पऱ्यो राजासँग टिको लाउन जानु पऱ्यो पाइयो नि पाइयो तर केका लागि देश र जनताका लागि हो त के को लागि ल उहाँले प्रचण्डजी एकदम ऊ गर्नुभयो कतिवटा उद्ध खोल्नुभयो कतिवटा मान्छेलाई रोजगार दिनुभयो अनि कति उहाँले भनेको आफूले भनेको बाचा पुरा गर्नुभयो यो के हो भने यो चाहिँ तपाईँको माओको काम राखेर ना राहोको काम गर्ने नाम राखेर अहिले अहिले त देख्नु हो त्यसैले म के भन्छु भने यो कोही इन्द्रको बाउ चन्द्र आए पनि यो व्यवस्थामा केही हुनेवाला छैन अरू दिनानुदिन खराब हुन्छ एउटा सकारात्मक बाटोमा छैन त्यसैले नेपाली जनता यो यो नौटङ्गी नौटङ्गीतिर नलाग्नुहोस् प्रचण्डले पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ पूजा गरे पृथ्वी जयन्ती चाहिँ तपाईँको चाहिँ माने त्यसले केही हुनेवाला छैन खतरा के हुनसक्छ भन्दाखेरि हिजो कमल थापाले लामो दौरा सुरुवात लाउने ठाउँमा अहिले प्रचण्डले लाउन थाले हिजो कमल थापाले पनि राजा जय भनेर खाएकै थियो एक दिन यिनीहरूले पनि राजा जय भनेर खान्छन् तर नेपाली जनताको समस्या समाधान हुन्छ त एक दिन यस्तो दिन आउन सक्छ मानौँ न यिनीका मालिकले ल राजा राखिदिए यी संविधान संशोधन गरेर राखिदिन्छन् राजाको जागिर त जोगियो नेपाली जनताको के हो हामी जनताको प्रश्न उठाउँदैछौँ केही भयो त भएन त्यसैले म के भन्छु भने यो बहत्तर सालको संविधान जबसम्म हामी विदा गर्दैनौँ म एउटै मात्रै उदाहरण छु म त त्यो मुभमेन्टमै लागि छु सत्तालिस सालको संविधान नेपालका लागि सबभन्दा राम्रो अब उदाहरण सजिलोका लागि एकाउन्न सालमा आर्थिक वृद्धि दर एघार पर्सेन्ट थियो मान्नुहुन्छ स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कको सेयर नौ हजार थियो त्यो पनि मान्नुहुन्छ अहिले आर्थिक वृद्धि दर तिन पर्सेन्ट भयो स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कको सेयर अहिले तिन सयमा झरो उदाहरणका लागि एकाउन्न सालमा उनीहरूले के भने भने मेरो यो एघार माना दुध दिने गाई किन पाल्ने अब हामीहरूलाई त तिन पार्थी दुध दिने गाई चाहियो तिन पार्थि दुध दिने गाई हो भने जब मैले दुध खान पाउँछन् भने नेपाली जनताले पत्याए यो एघार माना दुध दिने गाई चाहिँ कम दुध दियो यो गाईलाई बेच दिनुपर्छ अथवा यसलाई भिरबाट लडाइदिनुपर्छ त्यसको ठाउँबाट दिल्लीको गाई आउँछ है यहाँ तिन माथि दुध दिने गाई आयो त तिन पाथी दुध दिने गाई आयो त बिस करोड दिएर गएन अस्ति देख्नु भएन बिजुली धुप दियो अब खेल केका लागिरहेछ त माओले तेह्र हजार सत्र हजार भारतलाई सिधै डाइरेक्ट चाहिँ बिस करोड खर्च गर्ने अब द्वैत शासन चलो कि चलेन अब सिङ्गदरबारमा मात्रै होइन अब विकास बजेट अब लयन चौरमा पनि जान पायो भने सांसदहरू अब अर्थ मन्त्रालय प्रति उत्तरदायी हुने कि आयो अब एउटा फाइल लिएर लयन चौर जान्छ एउटा फाइल लिएर सिङ्गेदरबाट जान्छ नेपालको बजेट भन्दा धेरै बढी लैन्चरले दिन थाल्यो भने के हुन्छ त्यति बेला पुष् पुष्प कमाल दाहालले फेरि हाम्रो अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिन्छ नगरबाट त्यो होइन यहीँ जाउँ त्यही दिन यिनै तपाईँको परराष्ट्र मन्त्रीले उद्घाटन गरेको युनिभर्सिटीको लाइब्रेरी mm. कतिमा बनो त्यतिखेर पाँच करोड थियो पाँच करोडले बनेको त्यो भने होइन अनि त्यो त्यही युनिभर्सिटीको लाइब्रेरी बनाउँदाखेरि कुनको स्वीकृति छ त्यहाँ नेपालको झन्डा छ छैन अब भारत कहाँ पुग्यो भने दिमागमै पुग्यो यी तिम्रो बुद्धिको खेल मैले बनाइदिएको छु त्यसको जवाफ कसरी त छ तँ तो तो, तो उद्घाटन गर्न जाँदा नेपालको प्रधानमन्त्री किन गएन नेपालको परराष्ट्र मन्त्री किन गएन त्यो युनिभर्सिटीमा त्यो लाइब्रेरी बनाउँदाखेरि कुन कुन सहमति छ सरकारको सिधै अब द्वैत शासन चलो अब एकातर्फ भारतीयले शासन गर्छ उही इस्ट इन्डिया कम्पनी भन्नुहोस् न बेलायतमा एउटा भारत किन आयो कम्पनी व्यापार गर्न आएको हो नि इस्ट इन्डिया कम्पनी इस्ट इन्डिया कम्पनी त पछि त्यही कम्पनी सरकार भयो पनि म त सहयोग गर्न आएका तिमीले तर सहयोग गर्न त्यहाँ आएन प्यारालल सरकार चलो अब प्यारालल अब प्यारालल सरकार चलेपछि देख यो देखियो कसको उन्नति त माओ पार्टी भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकन अमेरिका यही हो मेरो क्या जसले माओवादी जनयुद्ध गर्यो दस वर्ष उसको जनयुद्धको चालिसवटा बुधा मध्ये नौवटा बुधा भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद राष्ट्रियता राष्ट्रघातसँग जोडिएका छन् अब यसैमा आज त्यही नेता जसले दस वर्ष भारत विरुद्ध केन्द्र चलायो युद्धको नाममा जनता मरायो अथवा भारतको चक्रातामा तालिम गर्यो जम्म yeah. गर्यो आज त्यही व्यक्ति यो देशको प्रधानमन्त्री हुँदा देशमा भारतीय बिस करोड लैन्चोरको दूतावास मार्फत खर्च गर्न पाउने सम्झौता गराइदियो अब अब सम्झ है म चालिस बुधै गर्नुभयो चालिस बुधे मागको विषयमा डिएफआइडी बेलायती तपाईँको एनजिओ हो यो सरकारी एनजिओ एउटा राष्ट्रिय सरोकार के भन्ने केदार खड्काले चलाउँथे त्यो केदार खड्काले चलाएको यो चालिस मुद्दै माग राष्ट्रवादी माग हो है भनेर डिएफआइडीको पैसाबाट यिनी देशभरि तपाईँको चाहिँ सम्मेलन गरेर गोष्ठी गरेर हिँड्थे एउटा गोष्ठीमा मलाई पनि पोखरा लगे को केदार खड्काले केदार खड्काले डिएफआइडीको पैसा माओवादीका चालिस मुद्दै माग दुधावाइज है फेरि उनले त गोष्ठी गर्दा माओवादी माओवादीका चालिसमध्ये मागमध्ये बडा राष्ट्रवादी छ भनेर गोष्ठी गर्दै त्यो गोष्ठीमा म पनि मलाई पनि पहरा पनि त्यो परामा होला अब, नि त यी त राष्ट्रवादी होलान् भने त खेल त अर्कै पर्छ ऊल्यान्ड दर्जेको खेल रहेछ अहिले त आइपुगे त्यसैले म के भन्छु भने यो जब यसको बिरुवै गलतसँगबाट रोप्यो सूर्यबहादुर थापाले तिन करोडबाट सुरु गरे बाबुराम भट्टराईले पाँच करोड पुऱ्याए प्रचण्डले बिस करोड पुऱ्यायो अब अब अर्कोले आएर एक करब बनाउला अर्कोले आएर त्यसै जिम्मा लगाइदेला अब हामी अर्थ मन्त्रालय सकौँ विकास गर्न पनि सकौँ तिमीले चलाइदेऊ लेखो दोर्जेनाक छ यो खतरनाक छैन त लेखो दर्जेले पाठ पाट बुझाउँदैन हो एउटा कसरी छ भने तपाईँ खसी दुई किसिमबाट तपाईँले मासु किन्न सक्नुहुन्छ एउटा सिँगै खसी किनेर तपाईँसित सिँगै खसी किन्ने क्षमता छैन भने परिस्थिति छैन भने बगरेकामा गएर किलो किलो दुई किलो एक किलो आधी किलो आफूलाई चाहियो आफूलाई चाहियो जति अब अहिले नेपालमा कसरी यो खसी मासु किन्ने त भन्दाखेरि अब सिक्किमको जस्तो सिँगै किन्ने सम्भावना छैन अब पाठ पाठ गर्ने पहिले दुई तिन करोड अनि प्रचण्ड के अरे बाबुराम कामरेडजी आउनुभयो उहाँले पाँच बनाइदिनु भयो अनि चाहिँ चाहिँ प्रचण्ड कामरेड आएर बिस अन बनाइदिनु अर्को कोही कामरेड आउँछ भोलि उसले के भन्छ भने अब हामीले यो देश चलाउन सक्यौँ न तिमी जम्मै भारतीय एम्बेसीबाट चलाइदेऊ सकिएन देश गएन लेन्डो दर्जेको काम त्यही होइन भनेपछि जुन व्यवस्था नक्कलीबाट आएको छ ना राव माओको नाम राख्ने रावको काम गर्ने भारतीय विस्तारमा र अमेरिकन साम्राज्य भन्नु पनि उसैको एजेन्ट भएर काम गरे आज हामी नेपाली जनता यसैमा जय बनाएरमा जान भनेपछि यो देश रहन्छ जनताले साथ दिनुपर्छ जनताको अगाडि कसैको केही लाग्दैन तर जनताले नकाब उतार्नुपर्छ भनेपछि ल ठिक छ त्यो आन्दोलनबाट राज संस्था आयो भने देशका लागि हुन्छ हुन्छ तपाईँको पनि समर्थन छ समर्थन छ अब यहाँ सुन्नुहोस् तपाईँले भनेको सत्तालिस सालको संविधान हो त्यो भनेको राजा वीरेन्द्रले छ्यालिसमा बौद्धल दिइसकेपछिको आएको संविधान अन्तर्गत संवैधानिक राष्ट्र संस्था रौद्धल प्रजातन्त्र तपाईँले यही भनिरहनु भएको छ सानो संरचना ल ठिक छ म्यानेजेबल संविधान त्यस्तो राजा चाहियो अनि त्यो राजाले देशमा काम गर्ने अधिकार हुने भए सुन्नु न सुन्नु न टुर सम्झौता हुन्थ्यो महाकाली सन्धि त्यही राजाको पालामा त यस्तो यस्तो सुन्नुहोस् अब त्यसको पनि कथा भन्छु म यो छयालिस सालको आन्दोलन भारतबाट चन्द्रशेखर गणेशमानका घरमा आएर गरेको तपाईँलाई त्यो त धेरै आइसक्यो थाहा छ अब के मिलाइएको रहेछ भने सन्धि ऐन ठ्याक्क संविधान सँगसँगै सन्धि ऐन आयो दुई हजार सत्तालिस अझ सत्तालिस सालको संविधानभन्दा अगाडि आएको छ त्यहाँ के व्यवस्था गरियो भने राजाले यो सन्धि राजाकामा पास गराउन लाँदा राजाले पास गर्दैनन् त्यसैले कानुन बनाएर संसदबाट स्वीकृति गरिसकेपछि सिद्धियो भन्ने कानुनी व्यवस्था गरियो त्यो त्यतिखेरै गरेको संविधान आउनुभन्दा अगाडि ना सन्धि ऐन दुई हजार सत्तालिस छ त्यही कारणले किन यो राजालाई उल्लेख के गर्यो भने राजा चाहिँ नेपालको राष्ट्रियताको पक्षमा मात्रै निर्णय गर्छ सनकपुर सन्धि स त्यतिखेरको संवैधानिक व्यवस्था नागरिकता ऐन के अरे यो सन्धि ऐन संशोधन गरिदिनुहोस् त कुनै पनि चाहिँ सन्धि सम्झौता गर्दा अन्तिममा राजाको स्वीकृति चाहिन्छ अब लाएर लानुहोस् तपाईँ सुगौली सन्धि सुगौली सन्धि पनि त्यतिखेरको एउटा मान्छेलाई फाँसी दिनु पऱ्यो भने राजाबाट सिग्नेचर नगराइकन फाँसी दिन पाइँदैन त हो सुगौली सन्धि गर्दा त्यतिखेरको राजाको सही छ छैन प्रधानमन्त्रीको छैन प्रधानमन्त्रीको छैन तर हामी लागि गरिराखेका छौँ कोही बोल्छ त हिजो नेपालका कम्युनिस्ट बन्थे उन्नाइस सय पचासको शुद्ध सन्धि बन्थे गर उच्चारण गरेका गरे छ उन्नाइस यो पटक भारतीय विदेश मन्त्री जयशङ्कर आउँदा उन्नाइस सय पचासको मैत्रीपूर्ण सन्धिको पनि कुरा भएन भएन इपिजीको पनि कुरा भयो पनि भयो सीमाको पनि कुरा भयो नि त त्यो हिम्मतै गरेन गरेन त अनि किन जनतालाई झुक्याउने केपीओ यो विषयमा किन कुरा उठेन भनेर बोल्दैनन् चुच्चे नक्साको बारेमा त खोजे यो जनतालाई बेगुप बनाउन ल्याएको चुच्चे नक्सा राष्ट्रवादी हुनका लागि ल्याएको त्यो भूमि हुनालाई ल्याएको हो र त्यसो भए तपाईँले खोजेको राजा चाहिँ कस्तो हो सत्तालिसको जस्तो संविधानले भनेको जस्तो भने महाकाली सन्धि होइन सत्तालिस मैले के मात्रै भने राजाले मात्रै यो देश जोगाउने होइन जोगाउनुपर्छ जनताले ठिकै भने जनताले भोट हालेर देशद्रोहीलाई पठाएपछि त सन्धि ऐन जस्तो ऐन पास हुन्छ अनि त्यहाँबाट सुगौली सन्धि जस्तो चाहिँ चाहिँ सन्धि हुन्छ उन्नाइस सय पचास जस्तो सरकारमा देशभक्त मान्छेहरू जानु पऱ्यो होइन तपाईँले छ्यालिस अगाडिको जस्तो राजा पनि त्यस्तो खोज्नुभयो भने होइन पञ्चायत पनि बहुत करप्टेड भएको थियो करप्टेड थियो तर योभन्दा अगाडिको राजा महेन्द्र खोज्नु भयो भनेपछि सत्र साल पछिको राजा महेन्द्र खोज्नुभयो भने त्यही प्रश्न हुनु पर्यो कि जनताको नजरमा अथवा राजा नजरलाई खोजेको राजा कस्तो हो भन्ने कुरा होइन समय अनुसार राजा महेन्द्रको जस्तो परिस्थिति अहिले छैन भोलि भारतमा पनि सैनिक शासन लागु भयो चिनमा त सैनिक शासनै सरह छ संसार डिक्टेटरको लाइनमा गयो यहाँ राजा महेन्द्रको जस्तो शासन व्यवस्था आउला अब संसार तपाईँको एउटा ग्लोबल भिजे भिलेज भइसकेका छ त्योभन्दा हामी टाढा जान सक्दैनौँ त्योभन्दा सबभन्दा कम हानिकारक हाम्रो घाँटी हेरेर हाँड निल्ने सानो संरचना हाम्रो बजेटले भ्याउने आर्थिक अवस्थाले भ्याउने राम्रो संविधान चाहिँ सत्तालिस साल तर यही संविधानमा दुईवटा कुरा राम्रा थिए एउटा नागरिकताको प्रावधान नेपालको हितमा थियो एउटा जल श्रोतलाई लगाएर दुई तिहाईमा राखिदिएको थियो जब बैसठी त्रिसठी साललाई परिवर्तन भएर सत्तालिस सालको संविधान गयो यही दुईवटा चिज चाहिँ सिद्धियो नेपालका नागरिकता बारम्बार जन्मको आधारबाट दिएर हो जलस्रोत कुनै बाँकी नै छैनन् अब एकमुष्टै दस हजार मेगावाटबाट घाटाको व्यापार भयो भोलि भारतले के भन्ला ले दस हजार मेगावाट बिजुली मेरा भाउमा नदिए के गर्छौ म आफै बनाएर लान्छु सिद्धियो दस हजार मेगावाट त त मैले दिइसकेका छ बनाएर लिएर जान्छ अब यस्तैलाई चाहिँ हामी राष्ट्रवादी भनेर ताली बजाएर हाम्रा बुद्धिजीवीहरू हिँडिहाल्छन् गर्नुहुन्छ त के त या तपाईँ बुद्धि त उसैले हालिदिदो रहेछ अनि सबै बनारसीवाला छ नि यहाँ सेरोमोनियल राजै चाहियो भने त रामचन्द्रै छन् त केपीको भाषामा के गरौँ त अनि अनि रामचन्द्रले यो देशमा त्यही त्यही तपाईँको उसलाई के अरे उस नि रेशम चौधरीलाई माफी दियो त्यसपछि रिगललाई माफी दियो उहाँले चाहिँ तपाईँको झुटकुरो गरेर म आफ्नो खर्च आफै तिर्छु भन्नुभयो आफै पार्नु हो के गर्नु हो भने झन् त पार्नु अनि उहाँले अरूलाई पत्याउनु भएन छोरी उहाँको पिए उहाँलाई पनि बडा महारानी लिएर हिँड्न इच्छा चाहिँ प्रचण्ड उहाँका होइन राष्ट्रपतिलाई उहाँकी श्रीमतीलाई भोटा ल्यायो नेपाली जनताले अनि उहाँ श्रीमती ठाटिएर सार्वजनिक कार्यक्रममा जान पाउने तपाईँले राष्ट्रपतिको श्रीमती प्रधानमन्त्रीको छोरीलाई गाली गर्न थाल्नु हो यो देशमा गणतन्त्र खतरामा पर्छ नि त हो अब प्रचण्ड भने सुन्नु भएन एउटा छोरी छि छ उहाँको धन्दा के धन्दा त भ्रष्टाचार अनि आयो उहाँकी नातिनी हिजो तपाईँकै रोल्पातिर कति होला कति तपाईँको ठुलो बिहे गरेँ भनेर कतिले भाटै कारबाही खाए खाएँ कति मारे अहिले के भयो त कथनी र कर मिलो झुट कुरा रहेछ नि अनि अहिले पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ तपाईँको फुलकोचा चढाउने बित्तिकै हामी विश्वास गरिहालौँ कहाँ पुग्ने हो गन्तव्य सिक्किमको होला गन्तव्य त्यसले म चाहिँ हिजोको यो जनवादी बिहे पनि विश्वास गर्दिनँ थिएँ अहिले सामन्ती बिहे पनि विश्वास गर्दिनँ अहिले प्रचण्डले तपाईँको पृथ्वीनारायण शाहको सालीमा राख्यो भने अब त्यही जोगियो होइन जुन रङको हो त्यही रङ बदलो पाराले भनेपछि प्रचण्डले रङ बदलेको मात्रै रङ बदलेको मात्रै हो ढुक्क हुने अवस्था आफ्नो उद्देश्य छ किन दियो त भारतले बन्दुक ज्वाइँ हो प्रचण्ड भारतको नातागोता हो सावधान हुनु पर्यो होइन सावधान हुनु पर्यो त तपाईँ दङ्ग नपर्नुहोस् यसो गर्दा गर्दै संविधान सभा आनामा देश गएको थाहा छैन र छ यो देशमा के भएको हेर्नुहोस् त नेता यस्ता छन् उसको अपराधै तपाईँको क्रिकेटमा विश्वलाई नाम देखाइदियो नेपालको परिचय दियो सिक्किम बनाउने मान्छेले नेताले अनि त्यसलाई नथुनी भयो त परिचय दियो भोलि संसारमा नेपाल सिक्किम बनाउने यो किन सिक्किम बनेको यो त सन्दीप लानेछानेले क्रिकेटको देश हो यो स्वतन्त्र देश हो भन्छ नि पहिचान दिनै हुँदैन या त पहिचान दिए बापतगार लेकिन हमें कोई नहीं बताता इसलिए हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी को सबसे बड़ा भगवान मान लेते हैं ऐसा नहीं है तो ये सारे जो हैं हमारी ही बॉडी के अंदर विराजमान हैं तो असली अयोध्या इस काया को ही बोला गया है जहां पर सारे देवताओं का वास है लेकिन परमात्मा का वास बॉडी में नहीं है बस इतना समझना है अगर आप इस अयोध्या में जाते हो तो आपको देवी देवताओं के दर्शन होंगे अगर आप गुरु से ज्ञान लेकर इस काया से परे जाते हो तब आपको परम आत्मा के दर्शन होंगे। स्वयं है। अयोध्या ही ये काया है मंदिर स्वयं है।, है यही मंदिर है ना <laughs> बिल्कुल बिल्कुल हाँ वो कहां बैठा है वो यहां बैठा है यहां पर बैठा है यहां पर कौन है माया माया से ऊपर बैठा है निरंजन निराकार इसका स्वरूप क्या है इसका स्वरूप है ज्योत स्वरूप यहां पर एक ज्योत जल रही है जिस ज्योत को ब्रह्मा जी विष्णु जी महेश जी लगातार ध्यान करते हैं यहां पर आप देखेंगे शंकर जी ने इतना ध्यान किया इतना ध्यान किया कि यहां पर तीसरी आंख खुल गई उनकी थर्ड आई जिसको बोलते हैं यानी वो ज्योत के दर्शन करते हुए अपना पूरा जन्म निकाल रहे हैं पूरा युग निकाल रहे हैं अब ये है मन कबीर साहब कहते हैं वाणी में कि निराकार मन ज्योत स्वरूप है अब इस मन से आगे क्या है इससे आगे आत्मदेव है मन से ऊपर आत्मा है उस आत्मदेव को जो जान जाता है वो इन इस मन के चाल से मन के चंगुल से इस मन की जेल से ये पांच तत्वों की जेल है इस जेल से रिहा हो जाता है साहिब कहते हैं ए हंसा अमर लोक का और पड़ा कालवस आई हो मन ही स्वरूपी देव निरंजन तुम्हें राखे भरमाई हो पांच पच्चीस तीन का पिंजड़ा ये पिंजड़ा है पिंजरा वा वाह में तुमको राखे हो तुमको बिसर गई सुद घर की और ये महिमा अपनी भाखे हो अब ये पिंजड़ा है आपका शरीर भी पिंजड़ा है मेरा शरीर भी पिंजड़ा है राम जी का शरीर भी पिंजड़ा है हनुमान जी का शरीर पिंजड़ा है शंकर जी का शरीर पिंजड़ा है तो हम किसकी पूजा कर रहे हैं पिंजड़े की बस इसी को समझना है अगर कैदी पिंजड़े की पूजा करेगा तो पिंजड़े से मुक्त कैसे होगा पंची चली गई पिंजड़े की पूजा बस इसी को समझना है पंछी से पिंजड़े की पूजा करवाई जा रही है जबकि पंछी को आसमान का रास्ता बताना चाहिए पिंजड़े को छोड़ के आसमान की तरफ चला जाए तो वो पंछी आजाद है लेकिन साहिब कह रहे हैं तुमको बिसर गई सुध घर की तुमको आसमान तो भूल गया और ये महिमा अपनी भाखे हो ये पांच तत्वों की पिंजड़े की महिमा गवा रहा है किस किस के नाम का मंदिर बनवा दिया क्या है उसमें पिंजड़े ही तो हैं पिंजड़ों की पूजा कर रहे हैं कौन ये अमर जीव ये अमर जीव पिंजड़े की पूजा कर रहा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी ये अविनाशी जीव नाशवान पिंजड़ों की पूजा कर रहा है यही कृष्ण जी बार बार समझा रहे हैं कि हे अर्जुन जो मुझे काया करके जानता है जो मुझे शरीर करके जानता है जो मुझे दस इंद्रियां करके जानता है हे अर्जुन वो वास्तव में मुझे जानता ही नहीं है क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं हम तुम शरीर नहीं है शरीर क्या है हे अर्जुन शरीर केवल और केवल नाशवान पांच तत्वों का घर है इससे ज्यादा कुछ नहीं हमारा असली स्वरूप आत्म स्वरूप है इसलिए जो मुझे आत्मा करके जानता है हे अर्जुन केवल वही मुझे पहचानता है अन्यथा कोई मुझे जान ही नहीं सकता इसीलिए सब ज्ञानियों में मुझे आत्म ज्ञानी सबसे प्रिय है क्योंकि वो मुझे आत्मा करके जानता है क्योंकि मैं अजन्मा हूं नित्य हूँ शाश्वत हूँ जो मुझे जन्म लेने वाला मानता है वो मुझे नहीं जान सकता कि मैं अजन्मा हूं और जन्म लेने वाला मतलब जो मुझे मछली का अवतार कछुए का अवतार का अवतार राम जी का अवतार कृष्ण जी का अवतार करके मानता है वो केवल शरीरों का ही पुजारी है आत्मज्ञानी नहीं है और मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ अर्जुन तू भी एक आत्मा है गीता के अठारह अध्याय के 66 श्लोक में क्या बताया है अठारह अध्याय का छसठ श्लोक में बहुत तो सर्व बढ़िया बढ़िया बहुत अब अज्ञानी जीव जो नहीं जानते सत्य को वो क्या सोच बैठते हैं कि सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा यानी सब धर्मों को छोड़ दे और केवल मेरी पूजा कर मेरे मंदिर में आ मेरी भक्ति कर मेरे शरीर से प्रेम कर मेरी फोटो से प्रेम कर मेरी मूर्ति से प्रेम कर बिल्कुल गलत है पहली बात तो यह बता दी जाए कि सब धर्मों को छोड़ने की बात आज से पांच हजार साल पहले की जा रही है तो मुझे किसी एक धर्म का नाम बता दो जो उस वक्त थे सिर्फ सनातन था। तो कौन से धर्म को छोड़ने की बात की जा रही है जब एक ही धर्म है उस वक्त तो कौन से धर्म को छोड़ के मेरी शरण में आ जा उस धर्म का नाम क्या है परित्यज्य सब धर्मों को छोड़कर कौन सा धर्म छोड़ू नहीं तो कैसे जब कोई धर्म ही नहीं है नहीं तो किसको छोडूं? असल में धर्म का मतलब ही नहीं पता लोगों को और इस श्लोक की गलत व्याख्या करके भरमा के कृष्ण जी की मूर्ति की पूजा में लगा दिया जाता है धर्म का मतलब है कर्तव्य आपका जो कर्तव्य है वही आपका धर्म है आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं है धर्म का मतलब होता है मेरा इस समय क्या कर्तव्य है वही मेरा धर्म है जैसे राजा का धर्म अलग है प्रजा का धर्म अलग है पति का धर्म अलग है पत्नी का धर्म अलग है यानी उसका कर्तव्य ही उसका धर्म है राजा का धर्म क्या है अपनी प्रजा की सेवा करना अपनी प्रजा का पूरा ख्याल रखना ये राजा का धर्म है प्रजा का धर्म क्या है अपने राजा के साथ वफादारी करना अपने राजा को हमेशा सुरक्षित रखना यह प्रजा का धर्म है पुरुष का धर्म क्या है पति का धर्म क्या है अपने परिवार की पालना करना अपनी स्त्री का ध्यान रखना यह पति का धर्म है पत्नी का धर्म क्या है अपने पति के साथ वफादारी करना उनके बच्चों को पालना अपने घर गृहस्थी को संभालना यह पत्नी का धर्म है यह उन धर्मों की बात की जा रही है सब धर्मों को यानी सब कर्तव्यों को छोड़ दे और मेरी शरण में आ जा इसका मतलब सारे कर्मों को अकर्ता होकर कर सोच की सारे कर्म मेरे ही हैं तेरा अपना कोई कर्म नहीं है हे अर्जुन कर्म कर फल की इच्छा मत कर वो मुझ पे छोड़ दे इसीलिए सब धर्मों को छोड़ने की बात की गई है कि ये छोड़ दे कि क्या सही है क्या गलत है ये सब मेरे ऊपर छोड़ दे बस तू अपना कर्तव्य कर जैसे हम लोग कई बार कहते हैं अरे बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूं धर्म संकट में पड़ गया हूं अब धर्म संकट क्या चीज है कौन सा धर्म संकट में पड़ गया हिंदू धर्म संकट में आ गया मुसलमान धर्म आ गया धर्म संकट का मतलब होता है कि ऐसी परिस्थिति में मैं आ गया कि मुझे यह नहीं समझ में आ रहा कि मैं निर्णय क्या लू कर्मो का संकट हाँ निर्णय का संकट मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूं मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूं कि मैं क्या करूं धर्म संकट पड़ गया क्या नहीं करूं क्या करूं बस यही है धर्म इसी धर्म को छोड़कर मेरी शरण में आ जा यानी सब कर्मों को त्याग के त्यागने का मतलब ये नहीं काम नहीं करना है त्यागने का मतलब होता है फल की इच्छा ना करना अकर्ता होके सब कर्मों को कर फल को त्याग और मेरी शरण में आ जा यानी आत्मा की शरण में आ जा मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं और जब तू आत्मा की शरण में आ जाएगा तो तू भी आत्मा ही हो जाएगा क्योंकि जहां आशा तहां वासा जैसा आपको अंत समय में आपका विचार होगा आपका निर्णय होगा वही आपको गति मिलेगी अंतमता सोगता इसलिए कृष्ण जी ने अर्जुन को यह समझाने की कोशिश करी कि तुम अपने आप को किसी भी धर्म का मत मानो केवल आत्मा जानो जब तुम आत्मा जानोगे तो तुम आत्मा ही हो जाओगे और आत्मा हो जाओगे तो तुम्हें कोई शस्त्र काट नहीं सकता अग्नि जला नहीं सकती वायु सुखा नहीं सकती जल भिगो नहीं सकता तो नरकों की आग तुम्हें कैसे जलाएगी तुम नरकों में भी नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हें आग जला ही नहीं सकती तुम्हें कोई पकड़ नहीं सकता यमदूत भी तुम्हें नहीं पकड़ पाएगा क्योंकि तुम आत्मा हो गए हो आत्मा तो कोई छू ही नहीं सकता आत्मा को कोई पकड़ ही नहीं सकता अब आप जन्म मरण से सदा के लिए मुक्त हो गए हो तो यह है गीता का सार लेकिन लोग गीता का सार नहीं जान पाते इसलिए कृष्ण जी की पूजा में ही मगन हो जाते हैं कृष्ण जी के नाम पे भजन गाते हैं नाचते हैं गाते हैं ठीक है शुरुआत अच्छी है लेकिन शुरुआत अंत नहीं होता ठीक है मंजिल अच्छी है लेकिन ठीक है रास्ता अच्छा है लेकिन मंजिल नहीं है, है। मंजिल बहुत आगे है मंजिल आत्मा है आत्मा बिल्कुल बहुत दूर है साहिब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर और ज्ञानी जन के पास में अज्ञानी से दूर जैसे आपने अपने घर में खजूर का पेड़ लगा लिया बड़े शौक से लगाया कि खजूर खाएंगे अब वो सौ डेढ़ सौ फुट ऊपर चला गया ऊपर चला गया है आपके आंगन में ही लेकिन डेढ़ सौ फुट ऊपर हो गया अब जैसे कोई खजूर पकती है अभी तुम प्लान बनाती हो कैसे तोड़ा जाए कैसे तोड़ा जाए क्योंकि चढ़ना आता नहीं इतने में कोई पक्षी आता है और उस खजूर को ऊपर से उठा के ले जाता है अब वो खजूर तुम्हारे घर में ही लगी है कहने को घर में लगी है सबको बोल रहे हो खजूर हाँ मेरे घर में ही है लेकिन मुझसे बहुत दूर है मैं उसको प्राप्त नहीं कर पा रहा ज्ञानी जन के पास में अज्ञानी से दूर अब ज्ञानी जन कौन है जो खजूर पे चढ़ना जानता है वो तो फटाक से चढ़ जाएगा और खजूर लेके नीचे आ जाएगा लेकिन अज्ञानी बेचारा देखता ही रह जाएगा घर में वस्तु है लेकिन प्राप्त नहीं कर सकता इसी प्रकार आत्मा हम सबके पास है हिंदू के पास है मुसलमान के पास है सिख के पास है ईसाई के पास है सबके पास, सब पास है लेकिन उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं प्राप्त कैसे करेंगे जब तक हमारे जीवन में आत्मज्ञानी गुरु ना आ जाए वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का भेद बता के तुम्हारी आत्मा से जुड़ने की युक्ति बता के तुम्हें आत्मा की प्राप्ति करवा सकता है नहीं तो नहीं जैसे तुम्हारे घर में सौ लीटर दूध है लेकिन तुम्हें घी बनाना नहीं आता तो वो सौ लीटर दूध दूध ही रह जाएगा ना तुम उससे मक्खन बना पाओगे ना तुम उससे दही बना पाओगे ना तुम उससे घी बना पाओगे वस्तु तुम्हारे पास ही है उसी दूध में घी भी है मक्खन भी है दही भी है घी भी सब आच, कुछ है छाछ भी है लेकिन तुम्हें विधि नहीं पता इसलिए वो सब तुमसे दूर हैं सामने दूध पड़ा है लेकिन घी बहुत दूर है अब कितनी दूर है कितनी दूर है अभी पता लगा जाए लग जाएगा अब समझो कि 12 से 24 घंटे में दही बनता है तो दूध से दही कितनी दूर है 24 घंटे दूर, दूर, दूर है अब दही से मक्खन बनाया जाता है कम से कम एक डेढ़ दो घंटा लग जाता है एक घंटा तो मान के चलो तो एक दिन और एक घंटा मक्खन दूर है अब उस मक्खन को गर्म करते हैं कम से कम डेढ़ दो घंटा लगा के उससे घी बनता है तो एक दिन और दो घंटा ढाई घंटा घी दूध से दूर है यानी परमात्मा हमारे पास होते हुए भी दूर है अगर आज हमें पता भी लग जाए कि हमारी आत्मा कहाँ है हमारी आत्मा का हमने कैसे ध्यान भजन करना है तब भी वो हमसे दूर ही है क्योंकि उसमें समय लगता है धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ना चाहिए धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए और माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए आपकी जेब में बीज है आम का बीज है तो क्या आपके जेब में आम का पेड़ आ गया क्या वो तो जिस दिन बीज बोओगे और एक एक करके घड़ा डालोगे सौ घड़े पूरे करोगे तब जाके कहोगे आम का पेड़ उगे और उसके बाद उससे आम प्राप्त हो है तुम्हारे पास ही है लेकिन हर चीज़ में समय लगता है क्योंकि कई लोग ऐसा कहते हैं महाराज जी अभी के अभी आत्मा का ज्ञान हो जाएगा अभी के अभी पता लग जाएगा कि आत्मा कैसी होती है नहीं साहिब कहते हैं राम नाम रटते रहो यानी आत्मज्ञान में समाओ राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण कब हूं धीन दयाल के भनक पड़ेगी कान कहते जब तक प्राण है घट में तब तक आत्मा का ध्यान करते रहो करते रहो पता नहीं कब दया हो जाए आत्मा के अलावा तुम्हें और किसी चीज की जरूरत नहीं है आत्मा के अलावा हर चीज माया है यह संसार माया है जो भी आंखों से चीज दिखाई दे रही है माया है जो भी चीज बदल रही है माया है जो भी चीज बन रही है बिगड़ रही है माया है तो ये मंदिर बन और बिगड़ नहीं रहे क्या बन रहे हैं बिगड़ रहे हैं ये मूर्तियां बन रही हैं 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 बिगड़ 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 रही 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 ये 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 मंत्र बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। ये धरम, ये बन रहे हैं, बिगड़ रहे सारे धर्म सारी जात पात सब झूठ है केवल आत्मा ही सत्य है और आत्मा को हमने कैसे याद रखना है कैसे निशाना लगाना है जैसे अर्जुन ने निशाना लगाया था चिड़िया की आंख का बाकी सबसे पूछा तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है कोई कह रहा है मुझे पत्ते दिख रहे हैं मुझे टहनी दिख रही है दिख मुझे चिड़िया दिख रही है पूरी चिड़िया की पूंछ दिख रही है चिड़िया की टांग दिख रही है अर्जुन को पूछा वो कहता है मुझे केवल चिड़िया की आँख दिख रही है तो गुरु ने कहा कि बेटा निशाना लगा केवल तू ही निशाना लगा सकता है बाकी कोई नहीं लगा पाएगा इसी प्रकार भक्ति केवल वही कर सकता है सत भक्ति केवल वही कर सकता है जिसका निशाना केवल आत्मा पे हो। ध्यान केंद्रित करना चाहिए ध्यान। आत्मा में ध्यान बस इसके अलावा कुछ नहीं शरीर का तो ध्यान करना ही नहीं है शरीर में जितने चक्र हैं ध्यान करना ही नहीं है क्योंकि ये सब पिंजड़े हैं अगर हम पिंजड़े का ध्यान करेंगे तो जेल में जाएंगे हमें आकाश का ध्यान करना है आसमान का ध्यान करना है यानी खुले आसमान का अपने असली घर का ध्यान करना है जहाँ कोई पिंजड़ा है ही नहीं चिड़िया मिल जाएगा बस अपने घर पहुंच जाएंगे, जाएंगे। गुरु जी एक, एक, एक प्रश्न आपको सब आदमी का इधर उधर करने का लिए करने के लिए घूमने के लिए डूलने फिरने के, के लिए एक उद्देश्य होता है आपका नेपाल आने का उद्देश्य क्या है बहुत प्यारा सवाल है कि नेपाल आने का उद्देश्य क्या है नेपाल मैंने जैसे बताया कि नेपाल की संस्कृति और हमारी संस्कृति भारत की लगभग एक जैसी है नेपाल हिंदू राष्ट्र है था अब तो बहुत कुछ हो गया नेपाल में बदलाव आ गया और हमारा देश भी हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा आबादी हिंदू धर्म की है और नेपाल वालों को नेपाल के भाइयों को समझाना थोड़ा आसान है क्योंकि 99 तक वो पहले से ही समझदार हैं जान चुके हैं धर्म के बारे में देवी देवताओं के बारे में ग्रंथों के बारे में अब हमें केवल एक एक पॉइंट आगे बढ़ाना है केवल आत्मज्ञान तक लेके आना है और ये एक पॉइंट अगर जिसने भी समझ लिया तो समझ लो कि वो असली सनातनी वो असली भगत असली भगवान का पुजारी बन जाएगा क्योंकि जो असली भगवान है असली वो परमात्मा है परमात्मा का मतलब है परम आत्मा परम यानी श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्मा और हम सब क्या बने बैठे हैं जीव आत्मा हम सब जीव आत्मा कैटेगरी में आ गए हैं और वो जो परमात्मा है वो परम है श्रेष्ठ है अब हम जीवों को क्या करना है केवल उस श्रेष्ठता को प्राप्त करना है यानी नदियों को क्या करना है उस समुन्द्र तक पहुंचना है तो समुन्द्र तक पहुंचने का जो कार्य है वो केवल गुरु के द्वारा पूर्ण होता है और गुरु का फ़र्ज़ है कि इस ज्ञान को आत्म ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाना इसलिए आज मैं नेपाल आया हूँ कि हमारे सब नेपाली भाई आत्म ज्ञानी बने ठीक है कोई मंदिर जा रहा है उसको रोको मत उसको पढ़ाई पूरी करने दो यानी कोई छोटे स्कूलों में जा रहा है पहली दूसरी पाँचवीं दसवीं कक्षा में उसको रोको मत भले उसने डॉक्टर बनना है रोको मत वही धीरे 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 पढ़ाई करता 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 एक दिन एम में एडमिशन लेगा और वो डॉक्टर बन जाएगा किसी को मत को कोई मस्जिद जा रहा है मत को कोई गुरुद्वारा जा रहा है मत को केवल उनको ये बताते रहो कि ये ज्ञान भी उस ज्ञान तक पहुँचने का एक जरिया है लेकिन जो असली ज्ञान है जो मुक्ति का ज्ञान है वो केवल और केवल आत्म ज्ञान है आत्मा तक पहुंचना है जैसे हम छत पे जाते हैं तो सीढ़ियों के द्वारा ही जाते हैं हम सीढ़ियों को नहीं तोड़ सकते सीढ़ियों को तोड़ देंगे तो हम वो छत पे कैसे पहुंचेंगे इसलिए कोई भी किसी धर्म से जुड़ा है हमारा किसी के साथ मतभेद नहीं है हम कहते हैं कि अपने धर्म में पहले पक्के हो जाओ पहले जानो कि तुम्हारा धर्म क्या कहता है मुसलमानों का धर्म क्या कहता है मुसलमानों का धर्म कहता है कि खुदा तुम्हारी रूह में बसता है लेकिन इस बात को कौन समझेगा ईसाइयों का धर्म क्या कहता है ईसाइयों का धर्म कहता है कि इन बिगिनिंग देर वॉज वर्ड वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड गॉड वर्ड यानी शब्द कि शुरू में शब्द था शब्द परमात्मा के साथ था शब्द ही परमात्मा था लेकिन शब्द को जानेगा कौन शब्द को छोड़ के ईसा मसीह की पूजा करने में लग गए ईसा मसीह की पूजा का मतलब क्या है शरीर की पूजा शरीर क्या है शरीर ही बंधन है शरीर ही पिंजड़ा है तुम ईसा मसीह को नहीं जान पा रहे हो तुम पिंजड़े की पूजा करने में लग गए हो हिंदू राम जी कृष्ण जी रूपी पिंजड़ों की पूजा कर रहा है और ईसाई ईसा मसीह रूपी पिंजड़े की पूजा कर रहा है क्या फर्क है दोनों ही पिंजड़ा ही है जबकि हमारे देश में एक संत ने वाणी बोली थी जब आएगा भीषम भीसा ना रहेगा ईसा ना रहेगा मूसा राज करेगा जगदीशा यानी जब आएगा बीसम बीसा बीसम बीसा का मतलब होता है शत प्रतिशत जैसे हम कहते हैं सोलह आने सच ऐसे ही बीसम बीसा का मतलब है शत प्रतिशत यानी जब पूर्ण ज्ञान आ जाएगा तो ना रहेगा ईसा ना रहेगा मूसा यानी शरीरों का खेल खत्म हो जाएगा अब शरीरों की पूजा खत्म हो जाएगी और केवल राज करेगा जगदीशा अब वो राज करेगा जो पूरे संसार का राजा है जो हिंदुओं का राजा है जो मुसलमानों का राजा है जो सिखों का राजा है जो ईसाइयों का राजा है अब वो जगदीशा कौन है वो आत्मदेव है जिसकी वजह से हिंदू चल रहा है जिसकी वजह से मुसलमान चल रहा है जिसकी वजह से सिख और ईसाई चल रहा है अगर आत्मा अपनी ताकत खींच ले तो मुसलमान कभी अपनी कुरान नहीं पढ़ पाएगा मुसलमान कभी अपनी मस्जिद नहीं पहुंच पाएगा हिंदू कभी अपना वेद नहीं पढ़ पाएगा हिंदू कभी अपने मंदिर नहीं जा पाएगा ईसाई कभी बाइबल नहीं पढ़ पाएगा ईसाई कभी अपने गिरजा घर नहीं जा पाएगा और सिख कभी गुरु ग्रंथ साहब नहीं पढ़ पाएगा और ना ही वो कभी गुरुद्वारे जा पाएगा ये सारी क्रियाएं केवल आत्मा की वजह से हो रही हैं आत्मा ना हो तो मंदिर में दिया नहीं जला सकते अगर आप मंदिर में दिया जला रहे हो तो आत्मा की वजह से जला रहे हो अगर आप एक ईंट पर दूसरी ईंट रख के मंदिर बना रहे हो मूर्तियां बना रहे हो आत्मा की वजह से बना पा रहे हो आत्मा ना हो तो तुम क्या मंदिर बनाओगे क्या मस्जिद बनाओगे क्या पूजा पाठ कर पाओगे कौन सा मंत्र बोल पाओगे कुछ नहीं कर पाओगे इसलिए जो कुछ भी हो रहा है आत्मा के द्वारा हो रहा है और आत्मा का ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है इसी आत्मा को आदि अक्षर कहते हैं इसी आत्मा को शब्द कहते हैं कबीर साहब कहते हैं शब्द बिना सुरत आंद्री कहो कहां को जाए द्वार न पावे शब्द का फिर फिर भटका खाए यानी तुम्हारा ध्यान शब्द यानी आत्मा से ना लगने के कारण संसार में भटक रहा है माया में भटक रहा है और जहाँ तुम्हारा ध्यान होगा वहीं तुम्हारा अगला जन्म हो जाएगा इसी को समझा रहे हैं तो शब्द कह लो आदि अक्षर कह लो निज नाम कह लो अबोल नाम कह लो अडोल नाम कह लो नियक्षर नाम कह लो ये सब उसी आत्मदेव के नाम हैं तो णी कहती है सोई गुरु पूरा कहावे जो दो अक्षर का भेद बतावे एक छुड़ावे एक लखावे तब प्राणी निज घर को जावे यानी कि सोई गुरु पूरा कहावे गुरु तो बहुत है संसार में लेकिन पूरा गुरु कौन है जो दो अक्षर का भेद बतावे कौन कौन से दो अक्षर पहला अक्षर वो जो इंसान ने बनाया है ये का खा गा घा चा छा जा टा ठा डा ये तब कहां थे जब इंसान को बोलना लिखना पढ़ना भी नहीं आता था जब आदि मानव था जब आदमी आदि मानव था जानवरों का शिकार करता था पत्ते खाके जीवन बिताता था नंगा घूमता था तब ये अक्षर कहां थे? तब ये अक्षर बने भी नहीं थे जब अक्षर नहीं बने यानी का खा गा शा नहीं बना तो रा और मां कहां से था आया ये रा और मां कहां था ये नहां था ये मुसलमान कहाँ था ये अल्लाह कहाँ था ये वाहे गुरु ये सारे नाम कहाँ थे जब अक्षर ही खोज नहीं हुई तो चूरो कूरो कहाँ था ये अक्षर बने तो उन्हीं अक्षरों में से उठा उठा के तुमने नाम बना लिए किसी ने अपना नाम रख लिया नितिन किसी ने अपना नाम रख लिया धीरेन्द्र किसी ने अपना नाम रख लिया विजेंद्र उन्हीं के माँ बाप ने नाम दे दिए अगर ये अक्षर ना होते तो क्या नाम होता तुम्हारा ऐसा नहीं है कि अक्षर ना होते तो तुम ना होते तुम तो होते जैसे गाय बैल बकरी कुत्ता हाथी घोड़ा सब हैं लेकिन किसी हाथी को जाके पूछो कि तुम्हारे चार बच्चों के नाम क्या हैं क्या बताएगा वो हजारों भेड़े हजारों गाय गाय बैल रस्ते में मिलते हैं क्या नाम रखोगे उनका किसने अपने बच्चों का नाम रखा इंसानों को छोड़ के इंसानों ने अपने बच्चों के नाम रखे क्यों क्योंकि अक्षरों की खोज हो गई है अगर आदि मानव ये अक्षरों की खोज ना करता तो हम बोल भी ना पाते हम जानवरों की तरह इशारे करते जैसे कुत्ता कुत्ते को इशारा करता है घड़ियाल घड़ियाल को चिड़िया चिड़िया को इशारा हाथी हाथी को शेर शेर से बातें करता है ऐसे हम इन बातों ऐसी बातें करते लेकिन शुक्र बनाओ उन आदि मानवों का जिन्होंने हिंदुस्तान में हिंदी के अक्षर खोज लिए अमेरिका में अंग्रेजी के अक्षर खोज लिए जापान में जापानी के अक्षर खोज लिए चीन में चाइना के अक्षर खोज लिए अलग-अलग देशों में अलग-अलग आदि मानवों ने अलग-अलग अक्षर खोज लिए इसलिए अलग-अलग भाषाएं बन गईं अगर ये अक्षर भगवान ने बनाए होते तो सारे संसार में एक ही भाषा होती हिंदुस्तान के आदि मानवों ने कितने अक्षर बनाए 52 अक्षर आप सर्च करोगे संस्कृत भाषा में कितने अक्षर होते हैं तो वहां पर आ जाएगा बावन अक्षर अब अंग्रेजों ने अंग्रेजी आदि मानवों ने कितने अक्षर बनाए इंग्लिश भाषा में कितने अक्षर हैं? छब्बीस अक्षर यानी हमारा आई हिंदुस्तानियों का आई क्यू बावन अक्षर खोज लिए कितना हाई है और अंग्रेजों का आई क्यू 26 26 में ही खत्म हो गया सत्ताईसवां अक्षर भी ना खोज पाए वो आधा है आधा आधा हिस्सा है।, है वो लेकिन हम आज सोचते हैं कि अंग्रेज हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है हम सोचते हैं लेकिन जब हम आदि मानवों के लेवल पे आएंगे तो हमें पता लगेगा कि वो हमसे आधे थे उनका पूरा जीवन छब्बीस अक्षरों में खत्म हो जाता है और हमारा जीवन बावन अक्षरों में चलता है तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि बावन अक्षर जीव आधारा आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा वाही को सत सिमरण कहिए सिमर सिमर नर उतरो पारा यानी बावन अक्षर बनाने के बाद तुमने अलग अलग भगवान के नाम लगा दिए राम श्याम हनुमान कितने नाम बना लिए किसकी वजह से उन बावन अक्षरों की वजह से अब बावन अक्षरों से जितने तुमने नाम बनाए हैं ये तुमने बनाए हैं ये मैन मेड नाम हैं और जो असली नाम है वो बावन से परे है वो बावन अक्षरों से परे है और असली नाम क्या है आत्मा ही बावन से परे है आत्मा शरीरों से परे है आत्मा इंद्रियों से परे है आत्मा मन और माया से परे है आत्मा पूरे संसार से परे है. उस आत्मा का ज्ञान देने वाला ही पूर्ण गुरु है और इन बावन अक्षरों को छुड़ाने वाला पूर्ण गुरु है सोई गुरु पूरा कहावे दो अक्षर का भेद बतावे पहला अक्षर क्या है हिंदी पंजाबी उर्दू फारसी अरबी के अक्षर इसको छुड़ावे एक छुड़ावे और एक लखावे यानी तुम्हें आत्मा का ज्ञान दे हिंदू को उसकी आत्मा का ज्ञान दे मुसलमान को उसकी आत्मा का ज्ञान दे सिख को उसकी आत्मा का ज्ञान दे ईसाई को उसकी आत्मा का ज्ञान दे यानी वो सारे धर्मों से ऊपर उठा के तुम्हें आत्मज्ञानी बना दे आत्मज्ञानी ही गुरु है आत्म ही गुरु है उसके अलावा कोई गुरु नहीं है आत्म ज्ञानी कह लो सतनामी कह लो सतनाम का ज्ञान रखने वाला ही गुरु है कहते हैं गुरु सतगुरु सोई सतनाम बतावे और बाकी गुरु कोई काम ना आवे सच्चा गुरु वो है जो तुम्हें सतनाम बता दे अब सतनाम क्यों बोला नाम भी तो बोल सकते थे क्योंकि गुरु नाम देता है लेकिन नाम और सतनाम में फर्क है नाम होता है बावन अक्षरों का और सतनाम होता है बावन से परे बावन अक्षरों का नाम देने वाले को गुरु कहते हैं और बावन अक्षरों से परे आत्मा का ज्ञान देने वाले को सतगुरु कहते हैं सतगुरु सोई सतनाम बतावे बाकी गुरु कोई काम ना आवे तो उस सतनाम को जानना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है उसी से हम सत्संगी हो पाएंगे सत्संगी का मतलब है सत्य को जान लेना अध्याय दो में बिल्कुल क्लियर बोला हे अर्जुन इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं एक असत्य और एक सत्य असत्य क्या है जो नाशवान है जो पल पल बदल रहा है वो सब असत्य है, है अर्जुन सत्य केवल एक है जो अविनाशी है जो अपरिवर्तनशील है जिसका ना तो कभी जन्म होता है ना ही कभी मृत्यु होती है आत्मा ही सत्य है अर्जुन और जो आत्मा को जान लेता है केवल वही सत्संगी कहलाता है बाकी कोई सत्संगी हो ही नहीं सकता सब भौतिक चीज वस्तु तो सब नाशवान है सब नाशवान असत्य है माया है अभौतिक है अभौतिक एक, एक ही चीज है।, है।, है आत्मा है आत्मा, है। के अलावा सब झूठ ये सारे धर्म खत्म हो जाएंगे सारे इंसान खत्म हो जाएंगे आज हर देश पे परमाणु बम फेंक दिए जाएं क्योंकि सबके पास पड़े हैं अगर एक बार वर्ल्ड वार हो गई तो ये सारे शरीर खत्म हो जाएंगे लेकिन फिर भी आत्मा का कोई बाल बांका नहीं कर सकता आत्मा अजन्मा है जी एक बात बता जी। जी। जन्म और मृत्यु से पाने के लिए कबीर साहब ने, ने एक ही सिद्धांत बताया है कि जन्म मरण से मोक्ष पाने के लिए एक ही वस्तु बस उसी का ज्ञान होना चाहिए सबसे पहले तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि जन्म और मृत्यु है क्या किसका जन्म और किसकी मृत्यु आत्मा अमर है और हम और आप आत्मा ही हैं तो जन्म मृत्यु किसका इस शरीर का कहां से मिलता है ये शरीर जन्म कहां होता है इसका मां के गर्भ में और मृत्यु में कहां चला जाता है पांच भौतिक शरीर में पांच भौतिक तत्वों में अब शरीर का जन्म और मृत्यु हो रहा है पिंजड़े का जन्म और मृत्यु हो रहा है तोता तो अजन्मा है लेकिन तोता पिंजड़े में फंस गया है इसलिए तोता अपने आप को नहीं जान पा रहा कि मैं क्या हूं और सोच रहा है कि मेरा जन्म और मेरी मृत्यु होती है अब तोता पिंजड़े में फंसा है इसका मतलब कि तोते ने अपना घर पिंजड़े को बना लिया है इसीलिए वो जन्म और मरण में फंस गया है अब तुम असली तोते को अगर जो पिंजड़े में असल में पड़ा है किसी के घर में कोई तोता हो देखो उस तोते के पिंजड़े को थोड़ा सा खोल दो मात्र दस सेकंड के लिए पांच सेकंड के लिए अरे दो सेकंड के लिए अरे एक सेकंड के लिए मौका लगेगा तो तोता एक सेकंड में ही उड़ जाएगा और तोता उड़ते उड़ते दुखी होगा या सुखी होगा आनंद में होगा खुश होगा या रोएगा खुश होगा उसको पता लग जाएगा कि अब मैं आजाद हूं आजाद गया तोता पिंजड़े में है तो दुखी है और पिंजड़े से निकले तो सुखी है लेकिन इस तोते का क्या हाल है यह तोता सोचता है कि जब तक मैं पिंजड़े में हूं तब तक तो मैं सुखी हूं डॉक्टर साहब मुझे बचा लो मैं मरना नहीं चाहता और जब शरीर से यानी पिंजरे से बाहर निकलने की बारी आती है तो यह दुखी हो जाता है आ, में। उसी समय दुखी हो जाता है कि मुझे बचा लो मैं शरीर नहीं छोड़ना चाहता अरे तेरी आजादी हो रही है भाई तुझे पिंजड़े से निकलने का मौका मिल रहा है तो तुझे डर लग रहा है और पिंजड़े में बैठा है तो तू सुखी मान रहा है अपने आप को पूरी उल्टी गंगा भा रखी है अब ऐसा क्यों हो रहा है कारण क्या है क्योंकि तोते को ये पता ही नहीं है कि मैं तोता हूं तोते ने अपने आप को ये शरीर मान लिया है आपसे कोई कहता है कि अपनी फोटो दिखाओ आप अपने शरीर की फोटो दिखा देते हो वो भी भ्रम में है यही सबसे बड़ा भ्रम है तोता हरा है और पिंजड़ा लाल लोहे का है तोता तो लोहे का नहीं है अब कोई तोते को बोले कि अपनी फोटो दिखाओ और तोता पिंजड़े की फोटो दिखाने लग जाए तो तोते को लोग बेवकूफ कहेंगे लेकिन इस तोते का क्या हाल है ये तोता 24 घंटे यही सोच रहा है कि मैं ये पिंजड़ा हूँ मैं गोरा हूं मैं स्मार्ट हूं मैं लड़का हूं मैं लड़की हूं मैं पतला हूं मैं मोटा हूं जबकि ये मोटा मोटी पतला गोरा काला पिंजड़ा है पिंज़ड़ा का आकार प्रकार है पिंजड़े का आकार प्रकार है तोते का नहीं अब कोई गुरु ऐसा मिल जाए जो इस तोते को तोते का ही ज्ञान दे दे तोते का जगाता है तोते को जगा दे कि बेटा जब तक तू इस पिंजरे में है तू दुखी है इस पिंजड़े में कैंसर हो जाएगा इस पिंजड़े में टाइफाइड हो जाएगा इस पिंजड़े में लकवा मार जाएगा इस पिंजड़े में सारे रोग लगेंगे और तू दुखी होता रहेगा क्योंकि पिंजड़े को ही सारे रोग लगते हैं तोते को कोई रोग नहीं लग सकता लेकिन तोता यह मान के बैठ जाता हाय मैं मर गया मुझे कैंसर हो गया मुझे टाइफाइड हो गया मुझे पीलिया हो गया मेरी किडनी फेल तेरी किडनी नहीं तेरे शरीर की किडनी भ्रम है यही भ्रम है अब तोते को करना क्या है गीता में भी बता रखा है गीता में बिल्कुल स्पष्ट बता रखा है कि जैसे एक कछुआ अपने आप को बचाने के लिए भागता है क्या भागता नहीं है अपने आप को अपने आप में समेट लेता है बस यही करना है यानी आत्मा को क्या करना है आत्मा को अपना सारा ध्यान अपने आप में समेट लेना है जैसे ही हम सारा ध्यान अपने आप में समेट लेंगे हमारा ये पिंजरा छूट जाएगा पिंजड़ा गिर जाएगा पत्ते की तरह और हम अपने आप में स्थित हो जाएंगे यानी जो तोता पहले शरीर में रहता था अब वो आत्मा में रहेगा अपने आप में रहेगा वही उसका निज घर है एक बार उसने आत्मा में रमण कर लिया एक बार उसने आत्मा में अपना घर बना लिया उसको इस काया की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर वो बड़ी खुशी से इस शरीर को छोड़ देगा उसको पता लग जाएगा काया मतलब दुख आत्मा मतलब सुख अब ये संसारी सुख दुख नहीं है काया मतलब सारे रोग सारे कलेश सारे झगड़े सब कुछ काया से ही है और आत्मा का मतलब है सत्य चित आनंद यानी सत्य में चित्त को लगा के आनंद को प्राप्त करो सत्य क्या है सत आत्मा है आत्मा ही सत्य है और एक बार दूसरा प्रश्न मैं करता हूँ तो गीता ज्ञान और कबीर साहब का ज्ञान का अंतर क्या है हाँ मैंने बताया था अंतर क्या है गीता 99 परसेंट तक आपको बिल्कुल सही लेके जाती है जो सोवा परसेंट ज्ञान है वो गुरु की शरण में जाने का उपदेश करती है कि तुम गुरु की शरण में जाओ और कबीर साहब का जो ज्ञान है वो शुरू से अंत तक गुरु की ही महिमा गाता है कि बिना गुरु के तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है गुरु की शरण में जाओ गुरु से ही ज्ञान प्राप्त होगा कबीर साहब का जो मूल ज्ञान है वो केवल आत्म ज्ञान है साहिब कहते हैं जल में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हाँसी आत्म ज्ञान बिना नर भटके कभी काबा कभी काशी मुसलमान हैं तो काबा में भाग रहे हैं हिंदू हैं तो काशी में भाग रहे हैं और जो आत्मा है उसको जान नहीं रहे तो घर में बैठ के अपने घर में ही आत्मा का ध्यान करके मुक्ति प्राप्त की जा सकती है यही कबीर साहब का ज्ञान है और गीता का भी यही ज्ञान है लेकिन अज्ञानी जीव गीता के ज्ञान को ना समझने के कारण मूर्ति पूजा को मंदिरों में जाने को या कृष्ण जी के भजनों पे डांस करने को उसको भक्ति समझ बैठते हैं जबकि वो भक्ति नहीं है भक्ति केवल एक ही है आत्म ज्ञान की भक्ति उसके अलावा ठीक है रास्ता कह सकते हैं पर मंजिल नहीं है गुरु जी बाईस जनवरी में मोदी साहब भारत में राम जन्मभूमि में ओ, राम जी का भव्य बड़ा महल मंदिर उद्घाटन कर रहे हैं बिल्कुल आपके इसके बारे में क्या अलग विचार है या सही है। नहीं मैंने पहले ही कहा है कि कोई भी मंदिर कोई भी मस्जिद कोई भी गुरुद्वारा कोई भी चर्च बनती है तो उसमें जीव की हानि नहीं होती समझो पहले क्योंकि कोई चोरी करे नशा करे डकैती करे लूटमार करे उससे लाख गुना अच्छा है कि कोई मंदिर में जाके भले पत्थर की पूजा कर ले भले जल चढ़ा ले भले कोई भजन गा ले लाख गुना अच्छा है कि वो कम से कम भगवान के लड़ तो लगाए ना मंदिर जाएगा तो कम से कम उसे पाप और पुण्य का तो बोध होगा ना कि गलत काम नहीं करना है गलत कार्य का गलत फल मिलेगा तो मंदिर कोई बुरा नहीं है और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे देश में वो मंदिर बनने जा रहा है जिसके लिए कितने लोगों ने बलिदान दिया कितने लोगों ने अपनी गर्दनें कटा ली गोलियाँ खाई ठीक है हमारी आस्था जुड़ी हुई है भारतवासियों की और ये बनना ही चाहिए था क्योंकि अगर राम जी का मंदिर भारत में नहीं बनेगा तो पाकिस्तान में बनेगा तो बनना तो चाहिए लेकिन केवल मंदिर हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए जीवन का मंदिर एक पड़ाव है आत्मज्ञान तक पहुंचने का मैं रास्ता है रास्ता है एक पड़ाव है पड़ाव यानी रास्ते में जैसे पड़ाव आते हैं तो वहाँ पर मंदिर ज़रूरी है लेकिन मंदिर हमारी मंजिल नहीं है और मैं ये आग्रह करना चाहूँगा ये अरदास करना चाहूँगा कि राम मंदिर बना है बहुत अच्छी बात है लेकिन वहाँ पर एक गीता का भी प्रकाशन करना चाहिए एक पॉकेट गीता जिसमें गीता का पूरा सार हो क्योंकि राम मंदिर अच्छी बात है राम मंदिर बनाए लेकिन हम ये चाहते हैं कि घर घर में गीता का उपदेश होना चाहिए हमने भी गीता छापी है ग्रंथ छापा है हमने हमारा पॉकेट साइज ग्रंथ है उसका नाम है हर हर गीता घर घर गीता उसमें हमने गीता का सार दिया है कि गीता हमें क्या उपदेश देती है और बीच में ही हमने अन्य संतों के भी उपदेश छापे हैं कि कबीर साहब दादू जी नानक साहब हमें क्या संदेश दे रहे हैं मेन मोटिव यही है कि हम आत्मज्ञान तक पहुँचें हम केवल मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे तक सीमित ना रह जाएं ठीक है हमारे सब संस्कार हैं हमारे पूर्वजों ने इनकी पूजा करी है अर्चना करी है तो इनका भी स्थान हमारे जीवन में बहुत जरूरी है जैसे आप देखेंगे कि मलेशिया जैसा देश जो पूरा मुस्लिम है लेकिन वहाँ पर भी घरों के बाहर गणेश जी की मूर्तियाँ आप देखेंगे लगी हुई तो हालांकि उन्होंने घर में जगह नहीं दी गणेश जी को चाहे बाहर घर के बाहर ही रखा उनको घर में नहीं रखते वो गणेश जी को फिर भी जगह दी फिर भी उन्होंने घर के बाहर जगह दी कि ये हमारा संस्कार है ये हमारा एक हमारा पूर्वजों का एक संस्कार है हमारा इतिहास है हम अपने इतिहास को क्यों भूलें इसी प्रकार मंदिर कोई बुरा नहीं है मस्जिद कोई बुरी नहीं है कोई चर्च बुरी नहीं है कोई गुरुद्वारा बुरा नहीं है बस संस्कार हमें अच्छे मिलने चाहिए अगर हमें धर्म के नाम पे मारना पीटना गोलियां चलाना बम फोड़ना आत्मदाह करना अगर ये शिक्षाएं हमें किसी भी धर्म से मिलती हैं तो हम उसको धर्म कहते ही नहीं हैं धर्म का मतलब है इंसानियत जो आपको इंसानियत का पाठ पढ़ाए वही धर्म है आपके सामने एक आदमी गिरा पड़ा है सड़क पर अब आपका धर्म क्या कहता है कि उसको उठाओ ना कि ये देखो कि वो ब्राह्मण है हिंदू है या उसने टोपी पहनी है मुसलमान है या वो कोई क्रिश्चियन है गले में क्रॉस पहना है या वो कोई सरदार है अगर मैं ये देख के उसकी मदद करूंगा तो मैं इंसान कहने लायक नहीं फिर मैं इंसान नहीं हूं इंसान वो है जो इंसान की मदद करे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में हैं पहले हम इंसान हैं जब बच्चा पैदा होता है ना तो वो टोपी पहन के आता है ना वो पगड़ी पहन के आता है ना वो माथे पे तिलक लगा के आता है ना ही वो खतना करवा के आता है वो इंसान पैदा हुआ है और हमने उसको इंसान नहीं रहने दिया हमने टोपी पहना दी हमने तिलक लगा दिया हमने पगड़ी पहना दी हमने सब कुछ बना दिया उसको और जैसा भगवान ने बना के उसको भेजा था हमने वो रहने नहीं दिया उसे सब कर दिया। भगवान ने तो उसको अक्षर भी नहीं दिए थे भगवान ने तो उसको बिना अक्षरों के भेजा उसका असली नाम क्या है हमें तो वो भी नहीं पता ये तो हमने नकली नाम दे दिया उसे भगवान ने क्या नाम दे के भेजा उसको हमें पता ही नहीं है लेकिन वो फिर भी बोलता है अपना नाम लेकिन हमें पता नहीं है उसके पीछे भी एक भेद है वो अपना नाम बोलता है लेकिन उसको कोई समझ नहीं सकता उसको समझ वही सकता है जो उसके भेद को जानता है वो बोल के बताता है अपना अबोल नाम लेकिन कोई जान नहीं सकता हर बच्चा बोलता है अपना नाम लेकिन उसको कोई पहचान नहीं सकता हम नकली नाम पकड़ा देते हैं तेरा नाम राम है तेरा नाम कृष्ण है तेरा नाम सुरेंद्र है तेरा नाम महेंद्र है ये हमने दिए हैं बावन अक्षरों की वजह से बावन अक्षर ना होते दे के दिखाओ तुम कोई नाम दे ही नहीं सकते तो यही गुरु का काम होता है कि बावन अक्षरों के नाम को हटा के तुम्हें तुम्हारा निज नाम दे और मैंने बताया अयोध्या क्या है इस काया को ही अयोध्या कहते हैं जहां पे सब देवी देवताओं का वास है वही अयोध्या है वो अयोध्या नहीं है जो हम दान चंदा लेके मंदिर बनाते हैं वो मंदिर नहीं है मंदिर ये है ये है असली मंदिर जो चलता भी है फिरता भी है जो खाता भी है पीता भी है जो सारे काम करता है जिसमें पता है भगवान रहता है तो जीवित है इसमें भगवान रहता है तो जीवित है पत्थर में तुम कहते हो प्राण प्रतिष्ठा कर दी है तो पत्थर चलता क्यों नहीं है पत्थर खाता क्यों नहीं है जब पत्थर में भगवान है तो वो भी चलना चाहिए वो भी खाते पीते रहे जब इस मंदिर में भगवान है और ये खाता पीता है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके भी नहीं खा पी रहा इसका मतलब कहीं तो कोई फर्क है ना क्योंकि ये भगवान का बनाया मंदिर है मन जहाँ रहता है वही वही मंदिर है मन के अंदर ही मंदिर है इसी को समझना है बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद उम्मीद है मेरी बात नेपाल वासियों को मेरे भाइयों को जरूर समझ में आएगी परमात्मा से अरदास करूंगा कि मेरी एक एक बात को अच्छी तरह आप समझें क्योंकि यह मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है मानुष जन्म अनमोल है और मिले ना बारंबार तरवर जो पत्ता गिरे बहुत ना लागे डार डारे एक इंसान जन्म मिला है अगर इसमें आपको आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो आपको नाना प्रकार की योनियों में भटकना पड़ेगा बार बार शरीर धारण करके आना पड़ेगा अभी तो अच्छा शरीर मिला है इंसान का फिर कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा घड़ियाल मगरमच्छ सांप बिच्छू पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा मेरे भाइयों इसलिए इस ज्ञान को अच्छी तरह समझो और आत्मा में सिमट जाओ आत्मज्ञानी बन जाओ फिर दोबारा कभी किसी शरीर में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसी के साथ मैं अपनी वाणी पे विराम देता हूँ नमस्कार साहिब बंदगी सतनाम बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया जब आप फिर नेपाल आएंगे बिल्कुल फिर हम ऐसे ही रहेंगे बिल्कुल बात करेंगे ऐसे ही बता देंगे आप आपका ज्ञान से सब नेपाली लोग बहुत बढ़िया मालिक की दया होगी हाँ। नेपाल भी आत्मज्ञानी बनेगा बिल्कुल बनेगा नमस्कार वहाँ उन्हें थो नितिन दास जी महाराज पंजाब नगर नगल टाउन बट आउन वर्ग को वहाँ ले चाहिए आत्मज्ञान को बारे में जून जहाँ आत्मा रहन्सो तेही अहेत्या हो त्यही मन्दिर हो त्यही जान्नु नै ज्ञान हो र कवीर साहबले यही भन्नुभएको छ यी सब कुराको व्याख्या विश्लेषण गर्दै उहाँलाई नितिन साहबलाई हामी विदा गर्न चाहन्छौँ र आजको यो एपिसोड पनि हामी यसैमा अन्त गर्न चाहन्छौँ नमस्कार धन्यवाद